स्पीति जाएंगे ब्रो। यो ब्रो स्पीति धोखा नहीं देगा ना ब्रो? नहीं बिल्कुल नहीं देगा। काना से आएगा और स्पीति जाएगा। काना से आगे स्पीति जाएगा, अबू धाबी भी जाएगा। अबू धाबी भी जाएगा ब्रो। ओह यस ब्रो। What's up guys? Welcome back to another vlog. कैसे हैं आप सभी? और अरे बाप रे क्या तेज धूप है भाई, मतलब चश्मा भी उतार रहा हूँ तो एकदम पागल हो जा रहा हूँ मैं। ठीक है, खैर मैं अभी फिलहाल निकला हूँ घर से और अभी हम जा रहे हैं गूगल माता की सहायता से हमारे प्रिंस भाई जो हैं आए हुए हैं रायपुर, उनके पास। ठीक है, उनको लेकर के अपन जाने वाले हैं न्यू रायपुर। विनायक दादा और पृथ्वी भाई भी आने वाले हैं, वहाँ करेंगे भाई कुछ रील वगैरह का शूटिंग। ठीक है, बड़ा मजा आएगा। तो अभी बने रहिए हमारे साथ, प्रिंस के घर जाते हैं और उससे मिलाते हैं। गाइस ये लड़का आ चुका है, मिलिया मिस्टर प्रिंस जॉन से, जगदलपुर से सीधे आए हैं। ये सीधे नहीं आए हैं, दरअसल ये पिछले दो तीन दिनों से रायपुर में ही, फिर तीन दिन से शादी अटेंड कर रहे थे और अभी फिलहाल आज फ्री हो गए हैं। तो आज का प्लान ऐसा है कि हमने कहा भाई साहब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, अभी तुम पूरे दिन हमारे साथ रहने वाले हो। तो विनायक दादा का कहना था कि भाई सो के उठते तक, रात के सोते तक इस लड़के को पकड़ के रखना। तो आज पकड़ लिया है हमने, बुक्ड है एकदम फुली। कितना लेता है बुकिंग का? ये आ चुकी है निंजा। हे गुड मॉर्निंग ब्रो, व्हाट्स अप? देखिए भाई अच्छे से खींचो बे, काम अच्छा करोगे तो पैसा अच्छा मिलेगा। ये अंकल पलट जाओगे जीवन पे। इतनी बार इस रास्ते से अपन ने ट्रेवल किया लेकिन आज तक ये नहीं पता था यहाँ पे भी एक लेक है भाई, काफी खूबसूरत। पीछे से एक ट्रेन जाती है, तालाब है और यहाँ पे चल रही है हमारी फोतू दाफी, समझ रहे ना, फोतू दाफी चल रही है हमारी। स्पेशल आदमी को हायर किया है हम लोगों ने, जगदलपुर से मंगाया है हम लोगों ने। मेहनत देख रहे हैं भाई साहब, ये तीसरा मेहनत। गाइस डीओपी हैं ये और ये डीओपी के असिस्टेंट हैं। क्या हो गया, फोन क्या करोगे तुम? अरे यार गाइस अपन पहुंच चुके हैं सिंध लेक पे पीछे और अभी तक जितनी शूटिंग हुई उसका मतलब जितना होना चाहिए था उसका तो अभी 10% भी नहीं हुआ, ऐसा कह रहे हैं हमारे प्रिंस भाई। और फिलहाल जिस जगह पर इस वक्त हम आए हैं देख सकते हैं, रात के समय यहाँ पे चौपाटी लगती है। क्या गंदगी मचा रखी है भाई, क्या गंद मचा रखा है यहाँ पे लोगों ने, क्या ही कहें, मतलब खत्म है पूरा। ठीक है, ये जगह भी खत्म हो गई है अब, जहाँ पे लोगों का आना जाना ज्यादा बढ़ता है ना वो जगह खत्म हो जाती है। और लोग ज्यादा यहाँ पे आ रहे थे और इसके बाद फिर यहाँ पे चौपाटी बन गई। अभी रोज रात को यहाँ पे ठेले कोपचे लगते हैं, इधर पे आकर के लोग खाते हैं, दारू पीते हैं, दुनियादारी करते हैं। ऐसी की तैसी मचा दी है यार, इतना खूबसूरत जगह था, बैंड बत्ती कर दी एक। अबे उसमें कुछ नहीं है बे, क्या लेके जा रहे हो तुम? ओ कुछ नहीं है उसमें, मैं नहीं फेंकता हूँ सर। कहाँ ले जा रहा है भाई? ओए ओए अबे कुछ नहीं है उसमें, तुम झिल्ली खाओगे अब। वाह ये देखिए, ये शक्तिमान शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कचड़े के साथ कचड़ा साफ कर रहे हैं। इसको कुछ तो मिल गया उसमें, झिल्ली पे कुछ तो मिला है इसको। ये भी बहुत स्याणा है ना, नीचे उठा के लेके गया, नीचे बैठ के दबा रहा है। कुरकुरे मिल गया उसको, अब इस गंदगी में मिलना ही है। वो पूरी माँ बहन करके रख दी है भाई, पूरा ऐसी तैसी है रास्ते का। गाइस यहाँ पे दादा लोग की शूटिंग चल रही है, प्रिंस भाई एकदम लगे हुए हैं, उनको पोज वो करवा रहे हैं। ये विनायक दादा शक्ति प्रदर्शन करेंगे, देखिए गाइस साइड आ जाता हूँ नहीं तो धूल में वो नहला देंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहिए, इसमें रिवर्स होता है। हो लेकिन यहाँ तो डीलर लोग पैसा खा देते हैं। अब देखो पोज देखो, ऐसा कर रहे जैसे, हाँ घुटना टेक दो, घुटना टेक दो, घुटना टेक दो, पकड़ लो और थोड़ा। ये देखो क्या है, अभी देखो ये होता है असिस्टेंट जो बताते रहते हैं। पप्पी मत करना, नहीं पप्पी नहीं करना। नहीं वो उसका नाम लड़का है ना, वो हल्क है, वो हल्क को पप्पी कर रहा हूँ फिर। हाँ सर, सर घुटना में दर्द हो गया सर। पप्पी नहीं किया ना? नहीं सर वो हल्क है, ये मेल है, मैं पप्पी नहीं करेगा उसको। ये बढ़िया है, कोई पप्पी नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता।
आदमी जात है वो आदमी जात है। आप प्रिंस का कुछ बोलेंगे, कैसा चल रहा है? सुबह सुबह उठ कर है ना शूट कर रहे हैं, मौसम भी एकदम जबरदस्त है। मौसम हमेशा ऐसे ही रहे जब हम शूट करने आए, क्योंकि गर्मी से ना बैंड बजाती है, आज वो नहीं हो रहा, पूरा एनर्जी बराबर है बिना रेड बुल के। इसको दोस्तों अपन इसको 150 रुपए में हायर कर रहे हैं अभी। $150 पर डे? $150 डॉलर में कमा रहे हो तो डॉलर गाइस। और $150 ये आदमी को अपन ना उठा के ले जाएंगे किधर, स्पीति लेके जाएंगे गाइस, स्पीति जाएंगे ब्रो। यो ब्रो स्पीति धोखा नहीं देगा ना ब्रो? नहीं बिल्कुल नहीं देगा। काना से आएगा और स्पीति जाएगा, काना से आगे स्पीति जाएगा, अबू धाबी भी जाएगा, अबू धाबी भी जाएगा ब्रो। ओह यस ब्रो। भाई आपको गाड़ी की आवाज सुनाई आ रही होगी, गुड मॉर्निंग सर। मेरे को एक बार उठाओ, ऐसे में ज्यादा बड़ी करो। गाइस यहाँ की शूटिंग हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं सीधे यहाँ पे एक जंगल जैसा सीन है थोड़ा सा, तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जा करके कुछ और शॉट्स बनाएंगे। ठीक है गाइस, अपन जा रहे हैं चाय पीने के लिए यहाँ पे। ये है स्टेडियम रायपुर का, शहीद वीर नारायण सिंह। और वीर नारायण सिंह जो थे वो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे। आप लोगों ने मेरा सोना खान वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जा करके देखिए, बहुत जबरदस्त वीडियो बना। गाइस रायपुर के बीच में ही एक देखिए बहुत ही जबरदस्त टाइप का जंगल है, तो हम इस जंगल पे आए हुए हैं। यहाँ खड़ी है हमारी कार, वहाँ पे है Z9 और निंजा, तो यहाँ पे होने वाला है शूट और यहाँ पे हम फ्लाई करेंगे ड्रोन। दिनचर्या शुरू नहीं हुई है आज हमारी, अलग माहौल है। ठीक है ले लो आप भी, क्या फोन ले लो आप, क्या है कब ले रहे हो? ले लेंगे फरवरी महीने में। फरवरी में बड़ा ठीक, देखो देखो कैमरे पे कमिट कर दिए हो आप। बिल्कुल बिल्कुल आ गई। ये पोज देखिए गाइस, पोज ये पोज, ओहो ओहो हीरो। ये भाई साहब ड्रोन के साथ खेल रहे हैं। तेरा हाथ गया दोस्त। ठीक है 1 2 3 आदमी इतने खौफ में है भाई साहब, ड्रोन देख। चलो स्टार्ट, कान मत कटवा देना। स्टार्ट स्टार्ट दरअसल बात यह है यहाँ पे कि पीछे से आ रही है बकरियों का झुंड। ठीक है ये बंदा गया और बकरी वालों जो भी उनको चरा रहे हैं उनसे डील करके आए कि यहाँ पे गाड़ी के बीच में, बकरियों के बीच में गाड़ी रखेंगे और फोटोग्राफी करेंगे। ठीक है तो पूरे बकरियां जो आ रही है रोड के उस पार चली गई थी, लेकिन अब वो इस पार आ रही है, जुबा के सिरे पे डील हुआ है। ठीक है लेकिन कुछ देंगे क्योंकि उनकी मेहनत है। अभी बकरियां आ गई तो छत्तीसगढ़ी में बात नहीं करोगे तुम? गड़िया नहीं होगा? हाँ तो कैसे 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 बुलाते हुए मतलब देन बुलान यार। अभी हमारा एक आदमी रहता तो सब्जी आ रहा है बोलता है यहाँ पे, और इतना सारा सब्जी बोल रहे कौशल गोस्वामी कौशल बाबा करता तो पकड़ लिया जहाँ पे सुसु करते तो वहीं पे हाथ किया। नशा होगा एक बार सूंघ ना, ना बहुत अच्छा नशा होगा तेरे को। अच्छा चारा खो जाते हैं। हाँ कत्तों का उड़ा दे बड़े बड़े पेल। हाँ अरे बापरे एक दिन में पूरा एक पेल। एक दिन में एक पेड़। ये देखिए फोटोग्राफर साहब हमारे। अब गाड़ी को इधर लाऊं? एक बार चालू करने की देरी है सर गाड़ी, सब भाग जाएंगे। वो देखो वो गाड़ी को चाट रहा है जाके। बाप रे ये खतरा था। ओके गाइस फिलहाल अभी यहाँ का जो सीन था वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अभी हम जाएंगे भाई साहब डहरिया, डहरिया पे जाएंगे, नाश्ता पानी खाना पीना जो भी है सारा कुछ करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गया है और
अभी भूख जो है ना एकदम उफान पर है। शाम को मिलेंगे और शाम को बेहतरीन एपिसोड होने वाला है। ट्रेडिंग नहीं, अपना शनिवार शनिवार संडे अपना छुट्टी रहता है, ठीक है। हमारा ऑफिशियली ऑफिस बंद रहता है सैटरडे संडे को, क्योंकि मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट से उस दिन बंद रहता है। फिलहाल ये ब्लॉग हम डेरिया पे क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर शाम को एक जाने वाले बहुत ही। आप बताए नहीं कि पिछले 5 दिन में कितना कमाया? 5 दिन पे मैंने निकाले $850 के आसपास। उस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस का नंबर है, उसमें कॉल कीजिए, आपको सारा डिटेल्स बता दिए जाएंगे, क्या करना है कैसे करना है। और ये हमारे मेंटर साहब, आपकी एज क्या है? 21 के भाई साहब हैं। और कितना आपका मंथली इनकम क्या है? मंथली इनकम तो 2,250 क्रॉस हो जाता है। 250 सिर्फ मैनुअल ट्रेडिंग पे, ऑटोमेशन पे, और आपका जो ढाई लाख के आसपास, 2.5 लाख मंथली। भाई साहब 21 साल के हो गए, समझ रहे हो मतलब। और ये आज इन्होंने कहा कि आने वाले 3 महीने पे एक और सुपर बाइक जो है वो परचेस करने वाले, मतलब ठीक है यार, मजा आ रहा है। मेरे 21 साल की उम्र में अगर ऐसा कुछ मिलता ना तो अभी मैं जेट तो खड़ा ही रहता, लेकिन आने वाले 10 साल में आ जाए। ओके, फिलहाल गाइस हम चलते हैं डेरिया, डेरिया में चल के आपसे बात करते हैं, वहीं ब्लॉग एंड करेंगे। और शाम का जो एपिसोड होने वाला है, मतलब आज शाम को एक दूसरा वीडियो बनेगा, क्योंकि हम जाने वाले एक बहुत ही पुराने खंडर पे, जो कि बहुत ही गलती से हमें दिख गया था, तो वहां पे जाके आज कार में शूटिंग करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल चलते हैं डेरिया। तो गाइस आज का जो वीडियो है समाप्त करने का समय आ चुका है, शाम को एक नया वीडियो बनेगा, जैसा कि मैंने कहा था एक बहुत ही बेहतरीन जगह पे हम जाने वाले। फिलहाल आज का जो ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, किसी कारण से अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन और प्रेस कर देंगे तो वीडियोस आते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटिए, खुशियां बांटिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं एक और नए फ्रेश धमाकेदार वीडियो के साथ।